वेलकम टू क्विक शेफ स्टडीज बाय सिली शर्मिली। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट इडली। इसके लिए सबसे पहले हमें एक कप सूजी लेनी है और एक बड़े बोल में इसको डाल लेना है। इसको डालने के बाद हम इसमें हाफ कप दही डाल देंगे। जितनी हम सूजी लेंगे उसका हाफ हमको दही लेना है। अब हम इसको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। ये मिक्स हो गया है, अब हम इसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे। पानी एकदम से बहुत सारा नहीं मिलाना है, हमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। जो हमारी सूजी होती है वो पानी डालते ही फूलने लगती है, इसलिए ये थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप से ड्राई होता जाएगा। लगभग इसमें आधे से एक कप तक पानी डलता है। अब हम इसमें नमक डाल रहे हैं। ये हमारा नमक चला गया है इसके अंदर। अब हम इसको मिक्स करेंगे और पानी डालकर इसको एडजस्ट करते रहेंगे। अब ये फिर से थोड़ी ड्राई होने लगी तो हमने फिर से इसमें पानी मिलाया है और अब ये इस कंसिस्टेंसी में बिल्कुल ठीक लग रही है। अब हम इस मिक्स किए हुए मिक्सचर को लगभग आधे से एक घंटे के लिए ऐसे ही रखेंगे। ना ही हमें कवर करके रखना है और ना ही हमें फ्रिज में रखना है। तब तक हम अपना इडली मेकर रेडी कर लेते हैं। हम आज इडली माइक्रोवेव में बनाएंगे। ये हमारे माइक्रोवेव के मोल्ड्स हैं और ये हमारा इडली मेकर है। सबसे पहले जो इसका सबसे नीचे वाला कंटेनर है उसमें हम एक कप पानी डाल लेंगे और उसको फिर से अरेंज करना स्टार्ट करेंगे। ये हमने रख दिया इसके ऊपर फिल्टर। अब हम अपने इडली मोल्ड्स को क्रीज कर लेते हैं। थोड़ा सा ब्रश से आप ऑयल लेकर इन इडली मोल्ड्स को ग्रीस कर लेंगे। इस तरीके से हमने ये एक मोल्ड को ग्रीस कर लिया, ऐसे ही हम अपना सेकेंड मोल्ड भी ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने का मेन रीज़न ये है कि जब हम इडली निकालेंगे तो ये उस पर स्टिक ना करें और हमारी इडली ईजीली इसमें से निकल जाए। ये देखिए, ये हमने रेडी कर लिए हैं अपने मोल्ड्स। अब हम अपना बैटर देखते हैं। ये हमारे बैटर को लगभग आधा घंटा हो चुका है और देखिए कितना थिक हो गया है। ये सारा पानी सूजी ने एब्जॉर्ब कर लिया है और सूजी काफ़ी फूल गई है। इस पॉइंट में हम थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको फिर से थोड़ा थिन कर लेते हैं और क्रीमी कंसिस्टेंसी पर ले आते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट डालेंगे। यस, इनो। इनो फ्रूट सॉल्ट हमारा फर्मेंटेशन में हेल्प करेगा। अब हम इसमें एक चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट डाल रहे हैं और इसको डालते ही जैसे ही हम मिक्स करना स्टार्ट करेंगे हम देखेंगे कि हमारी सूजी में फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। हमें अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है और जल्दी जल्दी अपने मोल्ड्स को फिल करना है। इसमें बबलिंग हमें साफ बिल्कुल नज़र आ रही है। ये बबलिंग जो है वो इनो डालने से ही आई है। ये हम अपने मोल्ड्स के अंदर इसको पोर कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमारा मोल्ड्स में इडली का बैटर चला गया। अब इसको इवन करने के लिए हम इसको हल्के से टैप करेंगे। टैप करने से हमारा बैटर एकदम इवनली इसमें स्प्रेड हो जाएगा। जिस तरीके से हमने ये मोल्ड रेडी किया है ऐसे ही हम अपना दूसरा मोल्ड का सेट रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने अपना सेकेंड मोल्ड भी रेडी कर लिया और ये हमारे इडली का बैटर अब तैयार है माइक्रोवेव में जाने के लिए। इसको हम टैप कर लेते हैं और इसको हम अपने इडली मेकर में अब अरेंज करके और माइक्रोवेव ओवन में रखेंगे। इसको कवर कर देंगे ऊपर से और अपना टाइमर सेट करेंगे 3 to 4 minutes के बीच में। यहाँ हम 350 पर सेट कर रहे हैं। 4 में कभी कभी इडली थोड़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी नहीं रहती, तो मैं एडवाइस करूँगी कि आप थोड़ी थोड़ी देर में चेक भी कर सकते हैं। बीच में खोलकर कोई भी एक टूथपिक डालें और चेक करें, अगर उस पर स्टिक करके आए तो इसका मतलब अभी कच्ची है और अगर स्टिक ना हो
तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। ये हमारी इडली हो गई है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए कितना ईजीली निकल गई, ये ग्रीसिंग करने का कितना फ़ायदा हुआ। इस तरीके से हम अपना सारे इडली जो बन के आए हैं उनको निकाल लेते हैं। कितनी यमी लग रही हैं ये इडलीज। ये हमारे अपना एक मोल्ड ख़त्म कर लिया, अब हम दूसरा वाला भी फ्री कर लेते हैं। चलिए तो अब इसको सर्व करते हैं। इडली बहुत ही न्यूट्रिशियस और हेल्दी फूड आइटम है, बहुत इजी और बहुत क्विक रेसिपी है इसकी। बस आपको इडली मेकर यानी इडली के जो मोल्ड्स हैं मेनली वो ही चाहिए, और बस बन गई मज़ेदार इडली। इसको आप सर्व कर सकते हैं चटनी के साथ, या फिर आप इसको सांभर के साथ भी खा सकते हैं। थैंक यू।